नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र लोम सिंह राजपूत। आज की वीडियो में मैं आपके लिए टमाटर की खेती से संबंधित जानकारी दे रहा हूं। तो किसान साथियों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कि ये एक टमाटर का खेत है और इसमें टमाटर की जो खेती है वो किस तरह से की गई है। टमाटर की खेती करने के लिए हमारे पास बहुत सारी पद्धतियाँ होती हैं, लेकिन सबसे जो अच्छी टेक्निक है और सबसे ज़्यादा अगर हमको उत्पादन चाहिए तो हमको इस टेक्निक से टमाटर की खेती को करना चाहिए। इस टेक्निक से टमाटर की खेती करने के लिए सबसे पहले हमको टमाटर की नर्सरी बनानी पड़ती है। नर्सरी बनाने के पश्चात जब हमारी टमाटर की नर्सरी तैयार हो जाती है, फिर हम उसकी प्लांटिंग कर देते हैं। और ये जो टमाटर है ये बेल को फैल के चलने वाला है। इसकी हाइट की अगर बात करें तो इसकी हाइट काफ़ी ऊँची हो जाती है। ये इस समय पे जो इसकी हाइट है वो 8 फीट तक की इसकी ऊंचाई इस समय हो गई और अभी भी ग्रोथ इसकी बरकरार चल रही है। तो इसकी हाइट जो है लगभग 15 फीट तक इसकी हाइट जा सकती है। तो ये जो टमाटर का खेत है, इसमें टमाटर की प्लांटिंग करने के बाद में जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट गई तो किसान ने यहाँ पर खेत में जाल बांधना प्रारंभ कर दिया। जाल के लिए सिंपल उसने बांस लगाए। बांस लगाने के बाद में उनको तारों से अच्छे से बांध के और ये इसका टमाटर का इन्होंने जाल बना दिया। टमाटर का जाल बनाने से फ़ायदा ये होता है कि टमाटर की जो हमारी फसल है वो उसका तना बहुत कोमल होता है और अगर हम उसका जाल नहीं बनाए तो ज़मीन पर फैल के चलने लगती है। जब ज़मीन पर फैल के टमाटर चलता है तो फिर उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है और कहीं ना कहीं उसमें फल का उत्पादन भी कम होता है। फल का उत्पादन कम होने का मेन कारण ये है कि जो फल मिट्टी के संपर्क में रहते हैं ज़्यादातर फल खराब हो जाते हैं। उत्पादन खूब होता है लेकिन जब फल खराब हो जाते हैं तो फिर वो उत्पादन हमारा नगण्य रह जाता है। लेकिन इस प्रैक्टिस में ये है कि सारा फल आपका ज़मीन से ऊपर रहेगा और ज़मीन से ऊपर रहेगा तो सारा फल अच्छे से वो स्वस्थ रहेगा और उसमें कोई रोग नहीं आएगा। तो ये जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी है, इसमें उत्पादन भी बहुत होता है। नंबर ऑफ प्लांट भी खेत में ज़्यादा लगते हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा लगेंगे और जब नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा लगेंगे उसके साथ साथ जब हमारे जो टमाटर है हमारा जो ऊपर फैल के चलेगा तो वर्टिकल के रूप में ये फार्मिंग हमारी देखने को मिलेगी, जिससे कि उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत अच्छा उत्पादन होगा। और जो 1 बीघा में उत्पादन होता है उसका आधा अगर देखा जाए तो उसके आधे क्षेत्रफल में उतना उत्पादन हो पाएगा। यानी कि 1 एकड़ में जितना उत्पादन हम लेते हैं उतना उत्पादन हमारे लिए 2 से 3 बीघा में हम ले सकते हैं और उससे ज़्यादा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो ये सबसे उत्तम तकनीकी है। इस तकनीकी से अगर हम खेती को करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है और यहाँ ये किसान भाई इस खेती को करते हैं और इस तरीके से इन्होंने सारी खेती को कर रखा है और बहुत ही अच्छा इनको मुनाफा हो रहा है। तो मैंने बहुत सारे खेतों को देखा लेकिन ये जो खेत हैं ये सब सारे खेतों में इस तरह से इन्होंने अच्छे से टेक्निक इसको अपनाया है। इसमें एक जाल नीचे बंधा है, इसके ऊपर भी एक जाल इन्होंने बांध दिया है, जिससे कि अगर टमाटर का पौधा बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो जाए तो ऊपर उस जाल पर भी फैल के वो चलेगा और टमाटर जैसे कि लौकी तोरी की वेल में नीचे आते हैं इस तरह से टमाटर हमको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी तकनीकी है। इसमें सर्वप्रथम किसान भाई ये करते हैं कि खेत में बांस लगाते हैं। बांस लगाने के बाद उसको तार से अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं और बांस से और तार के बीच में एक प्लास्टिक होती है जिसके लिए हम धागा प्लास्टिक का कह सकते हैं। प्लास्टिक के धागा से उसके लिए टमाटर के तने के लिए बांधते हैं और उसको सीधा ऊपर के लिए टमाटर के तने के लिए पहुंचाया जाता है, जिससे कि टमाटर की जो वेल है वो सीधी ऊपर को चले, ज़मीन पे इधर उधर ना फैले। एक टमाटर लगभग 4 से 5 जगह तक बांधा जाता है जिससे कि वो उसकी जो वेल है वो सीधी चले और वो फैल के ज़मीन पर ना चले। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपको टमाटर की खेती से संबंधित जानकारी दी जिससे कि आपको इससे बहुत ही अच्छी जानकारी मिल पाई है और आप कहीं ना कहीं अगर मेरी वीडियो को देखकर अगर 2-4 लोग भी इस तरह की तकनीकी को अपनाते हैं तो मुझे ये उम्मीद रहेगी कि उनके लिए
सफलता मिली और मुझे भी कहीं ना कहीं अगर मेरी वीडियो को देखकर आप लोगों में कुछ बदलाव आता है, आपकी अगर फसल कुछ अच्छी हो जाती है, तो मैं भी इस चीज़ को मानूंगा कि मैंने जो काम किया है उसका फ़ायदा मुझको मिल गया। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैं आपको इसी तरह से खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियाँ देता रहता हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने आपके लिए खेती से संबंधित जानकारियाँ दी। खेती चाहे हमारी खाद्यान्न की फसलें हों, चाहे हमारी सब्जियों की फसलें हों, चाहे किसी प्रकार की फसलें हों, हर प्रकार की फसलों से संबंधित मैं आपको जानकारियां देता हूं। और जैसी जैसी मेरे लिए कोई नई तकनीकी कहीं नज़र आती है तो उस तकनीकी की वीडियो मैं आपके लिए बनाकर जरूर देता हूँ, जिससे कि आप लोग उस वीडियो को देखें और उस तरह की तकनीकियों को अपने यहाँ पर भी लागू करें, जिससे कि आपको भी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके। बहुत बहुत दूर के कई कई जगह के जो ऑडियंस हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो लोग इन वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिलता है। किसान साथियों, इस तकनीकी के लिए हम वर्टिकल फार्मिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो तना है पौधे का वो सीधा ऊपर के लिए जाता है और इस पर फ्रूटिंग होती है। किसान साथियों, इस समय पे अगर हम देखें तो इसमें टमाटर काफ़ी बनना स्टार्ट हो गया है और लाल लाल टमाटर भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो टमाटर लाल हो रहा है उसके लिए तुराई भी किसान ने स्टार्ट कर दी है। तो ये जो तकनीकी है, इस तकनीकी में पौधे जो हमारा फल है उसको ख़राब होने के चांस बहुत कम रहते हैं और ज़्यादातर फल इसमें अच्छे ही रहते हैं, तो इस तकनीकी को अपनाने से हमारे लिए उत्पादन अच्छा खासा मिलता है। दूसरी बात यह कि टमाटर दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा जो पौधा है उसकी हाइट कम होती है, वो फैल के ही चलता है या फिर वो बेल नहीं होता है, लेकिन ये बेल वाला पौधा है, बेल वाला पौधा है, तो उसमें तो हमको स्टेकिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर बेल वाला पौधा भी नहीं है, उसकी भी अगर हम दो जगह या तीन जगह उसको बांध देते हैं, तो उसका पौधा भी सीधा चलता है, और सीधा चलता है तो कहीं ना कहीं उसके फल भी ज़्यादातर मात्रा में हम बचा सकते हैं, जो कि ख़राब ना हो पाए। टमाटर का उत्पादन बहुत होता है, लेकिन टमाटर ख़राब होता है तो उससे काफ़ी नुकसान किसानों को हो जाता है। तो ख़राब होने से बचाने का सबसे मुख्य कारण ये है कि टमाटर ज़मीन पर टिक के ना चले और मिट्टी के संपर्क में टमाटर नहीं आएगा तो उसमें फंगस इतनी जल्दी नहीं लगेगा। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैं आपको इसी तरह से खेती बाड़ी से जुड़ी ही जानकारियाँ देता रहता हूँ। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो लोग हमारे चैनल पर लगातार जुड़े हैं, वो वीडियो को लगातार देखते रहें।